राम लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृतर्पण कर वन में कंदमूल फल मूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने चार पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम तीन हैं, फिर चार पतल क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक पतल गौ माता की है। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, गौ माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनी से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेंगी? तब वो बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, मैं तो कथा नहीं सुनी, यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे तो सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्यारे हिवरे रो आधार, राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो मैं परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, भाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केलाड़ी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपारो पधारो राम, जगल्या टोपी ल्याई राम, करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाओ राम, हिवरे हीरा सौभे राम, निखरता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, चरण आपरी ले लो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री आरोगी राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरको परखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावेश ले लो राम, जल भर झाड़ी ल्याही राम, अबे आचमन करिलो राम, रे श्याम गमछो ल्याही राम, हाथ मुँह पोछलो राम, पुष्पा सुसेज सजाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया दुलारो राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोड़ो राम, हजार पंखा डोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज कोई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंची राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा,
हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जी माया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से ले आई? मैं माता सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। भाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग भगवद्रीता पर चढ़ाना, जिससे भगवद्रीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, मात सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माता सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? सीता भगवद्गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब भाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब भाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। भाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह घर, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुण्य वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उस बहू पे कृपा की है, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा बोलने वाले एवं हुंकारा भरने वाले पे अपनी कृपा बनाए रखना। कथा समाप्त। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास में प्रत्येक दिन सुने जाने वाली राम लक्ष्मण की कथा, जो कि कार्तिक मास में स्नान के बाद अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी आपको व्रत की पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता सीता, भगवान राम एवं भगवान लक्ष्मण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।